क्या आप भी GB व्हाट्सएप यूजर है? हाँ भाई हाँ। क्या आपके GB व्हाट्सएप में भी ये वाला प्रॉब्लम शो हो रहा है? अरे हाँ भाई हाँ। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तो मैं आज आपको इस प्रॉब्लम का 100% वर्किंग सोल्यूशन बताने वाला हूँ, जिसमें आपका एक भी मैसेज डिलीट नहीं होगा और आपको पूरा मैसेज का बैकअप मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपके मात्र एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे ही हम अपना GB व्हाट्सएप ऑन करते हैं वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, हम जितने बार ऑन करने का कोशिश करेंगे तो वो वैसे ही बंद होता रहेगा। आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बस आपको कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल का डाटा बंद कर देना है, अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड है तो उसको भी बंद कर दीजिएगा। इतना करने के बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप है जहाँ आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको अपना GB व्हाट्सएप ऑन करना, हो सकता है GB व्हाट्सएप एक बार में ऑन ना हो, उसके बाद आप 2-3 बार ऑन करेंगे तो GB व्हाट्सएप ऑन हो जाएगा। फिर जैसे ही आपका GB व्हाट्सएप ऑन हो जाए, आपको जाना है GB व्हाट्सएप सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद चैट्स पे, चैट्स के आपको स्क्रॉल डाउन करने पे चैट बैकअप का ऑप्शन मिलेगा, उसे क्लिक करके आपको चैट का बैकअप कर लेना है। यहाँ पे GB व्हाट्सएप का बैकअप बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जब GB व्हाट्सएप में एरर शो हुआ था, उसके बाद जितने भी मैसेज आए होंगे आप उसे नहीं पढ़ पाए, इसे आपको वो मैसेज मिल जाएगा जो आप मैसेज नहीं पढ़ पाए थे। स्टेप्स को फॉलो करते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इसके बाद आपको अपने डाटा का बैकअप 100% होते तक वेट करना है। जब आपका बैकअप 100% हो जाए तो आप सिंपली अपने GB व्हाट्सएप को क्लोज कर दीजिएगा। इसके बाद आपको डाउनलोड करना होगा GB व्हाट्सएप का एकदम लेटेस्ट वर्जन। फिर से अपना GB व्हाट्सएप ऑन कर लेना है, जाना है सेटिंग्स पर। GB सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको अपडेट्स वाला ऑप्शन दिखेगा, उसमें क्लिक करने के बाद अपडेट फ्रॉम वेब पर क्लिक करिए। आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, सिंपली आपको क्रोम पर क्लिक करना है। क्रोम पर जाते ही आपको वेबसाइट खुल जाएगा GB व्हाट्सएप। अब यहाँ पर आपको अपना डाटा ऑन कर लेना है। डाटा ऑन करते ही आपके सामने भी कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको करना है स्क्रॉल डाउन और ढूंढना है ये वाला ऑप्शन। फिर आपको इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन से GB व्हाट्सएप को डाउनलोड कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड कंप्लीट हो जाने के बाद आपको जाना है अपने मोबाइल का होम स्क्रीन पर, वहाँ पे आपको ढूंढना है अपना पुराना वाला GB व्हाट्सएप और उसे अनइंस्टॉल कर लेना है। अनइंस्टॉल करने के बाद आपने जो GB व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया था उसे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद आपका GB व्हाट्सएप ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपसे कुछ परमिशन मांगने लगेगा, आपको परमिशन को अलाउ कर लेना है। फिर उसके बाद आपको अग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको दो ऑप्शन शो होगा, कंटिन्यू और वेरीफाई विथ SMS। तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर अलाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों, आपके व्हाट्सएप नंबर पे एक OTP आएगा, जिसे आपको अपना व्हाट्सएप नंबर वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई कंप्लीट हो जाने के बाद आपके सामने कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, जिस पर आपको क्लिक कर देना है, अलाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको रिस्टोर बैकअप का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको रिस्टोर पे क्लिक कर देना है, जिससे आपका पूरा मैसेज का बैकअप वापस मिल जाएगा। 100% होने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम एंटर कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा GB व्हाट्सएप ऑन हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारा प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो चुका है और इसमें अब कोई भी प्रॉब्लम शो नहीं कर रहा है। अगर वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।